रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक हार कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल आप आईएएस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी का जो मेंस मुख्य परीक्षा जो हो चुकी है, होने वाली है, और आगे भविष्य की जितनी भी मेंस परीक्षाएं हैं उनके रिलेटेड। देखिए दोस्तों, आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर गए हैं, यू वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम जिसे कहा जाता है, आपको क्वालिफाई करके मेंस के लिए आए हैं। तो दोस्तों कुछ एक ऐसी छोटी छोटी बारीक गलतियां हैं जिन्हें करके आप ये मुख्य परीक्षा से बाहर हो सकते हैं। एक बार ये वीडियो पूरे अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये चाहे कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति क्यों ना हो वो ये गलतियां करता ही करता है। दीज आर कॉमनली डन मिस्टेक्स, सो यू मस्ट वॉच दिस वीडियो टू टिल एंड। सो फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन का आंसर बुकलेट है उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो ना करना, ये सबसे बड़ी गलती होती है किसी भी एस्पायरेंट की। तो और पहली गलती ये करता है कि वो इरेलेवेंट मैटर्स जितने भी क्वेश्चन का आंसर बुकलेट में होते हैं वो लिखना शुरू करता है। उदाहरण के लिए देखिए दोस्तों कि यहाँ पे 786 नंबर वो लिख देंगे, कोई ओम बना देगा, कोई जय श्री राम लिख देगा। सो फ्रेंड्स, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में अगर आप ऐसा कुछ भी करते हैं तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए किसी ने ईसा का क्रूज बनाया हुआ, बट ये कॉपी जो है यूपीएससी चेक ही नहीं करेगी। आगे देखिए यहाँ पे लिख दिया है हरे रामा हरे कृष्णा, तो फ्रेंड्स दीज आर नॉट अलाउड, आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें। ये उदाहरण मैं स्पेसिमेन कॉपीज यूपीएससी की साइट से मैं डाउनलोड करके मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि मेंस एस्पायरेंट्स जितने भी हैं उनको ये पता लग जाए कि क्या वास्तव में क्या क्या गलतियाँ एक आमतौर पर एस्पायरेंट करते हैं। छठा एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, ओम लिखा हुआ है यहाँ पर, ये कॉपी भी चेक नहीं की करेगी कौन यूपीएससी। ये देखिए इसके अलावा देखिए ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है, यह भी कॉपी शायद यूपीएससी चेक ना करे। वहीं देखिए सातवां उदाहरण, जब आपको ये क्वेश्चन का आंसर बुकलेट में क्लियरली मेंशन है कि कैंडिडेट शुड नॉट राइट ऑन दिस लाइंस, फिर भी आप यहाँ पे नंबर डाल के लिखते हैं और कुछ इरेलेवेंट मैटर्स आप यहाँ पे लिखना शुरू कर देते हैं। दोस्तों ये क्या है? दोस्तों ये लापरवाही है और आंसर कॉपी आपकी इस तरीके से चेक नहीं की जाएगी। ये देखिए अगला उदाहरण, और देखिए नौवां उदाहरण मैं आपको देता हूँ, मैटर्स शुड नॉट बी रिटन हेयर। और देखिए अब दूसरा, जब गलती जो एक आमतौर पर एस्पायरेंट करता है वो क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट में अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर देता है जो कि उसे बिल्कुल नहीं करनी है। कैसे? जैसे कि परीक्षा का नाम पूछा और आपने अपना नाम लिख दिया, ये कॉपी चेक नहीं होगी दोस्तों। दूसरा देखिए, परीक्षा का नाम पूछा आपने अपना रोल नंबर लिख दिया, ये भी कॉपी चेक नहीं होगी। एक तरीके से माल प्रैक्टिस माना जाता है कि आप किसी गेम के जरिए यूपीएससी में जो है चीटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं या एग्जामिनेशन को किसी तरीके का इंडिकेशन दे रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए कि इस छात्र ने पता गलती पता चलने के बाद हल्का हल्का पेंसिल से काट तो दिया मगर ये फिर भी विजिबल है, तो ये कॉपी भी चेक नहीं होगी दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, नाम काटा तो सही छात्र ने बट नेम इज स्टिल विजिबल, तो ये कॉपी भी चेक नहीं होगी। आगे देखते हैं दोस्तों, देखिए जब यहाँ पे एग्जामिनर की साइन है वहाँ पे कर दिए विनीत जी ने अपने साइन, तो ये कॉपी भी चेक नहीं होगी क्योंकि एग्जामिनर और एग्जामिनी में अंतर होता है दोस्तों। एग्जामिनर वो होता है जो आपकी कॉपी जांचता है और एग्जामिनी आप हैं जो परीक्षा दे रहे हैं। दोस्तों अगला उदाहरण देखते हैं, अब यहाँ पे लिखा है लेटर टू द एडिटर, पर देखिए दोस्तों यहाँ पे साइन कर दिए कैंडिडेट ने अपने नाम लिख के और अपने साइन, तो आप कोई भी लेटर लिखें तो उसमें एक्स वाई जेड का प्रयोग करें, लेटर राइटिंग आपको बताया गया होगा, मगर ये एग्जामिनेशन में क्योंकि प्रेशर ही इतना होता है तो व्यक्ति ये आमतौर पर ये गलतियाँ कर देता है, इसलिए ये वीडियो मैंने बनाई है दोस्तों। आंसरिंग इन मिक्स लैंग्वेज, अब देखिए यूपीएससी के जो क्वेश्चन का आंसर बुकलेट है उसमें शुरुआत में ही लिखा गया है कि यू शुड कैंडिडेट शुड अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन द लैंग्वेज ही इज ऑथराइज्ड इन, नो मार्क्स शैल बी गिवन इन अनदर मीडियम आंसर्स रिटन बाय द कैंडिडेट। तो देखिए यहाँ पे इसने क्या किया है कि एग्जामिनर को ज़्यादा समझाने के चक्कर में उन्होंने वही चीज़ इंग्लिश में भी लिख दी, वही चीज़ हिंदी में भी लिख दी, तो इसके यूपीएससी एग्जामिनेशन में आपको बिल्कुल नंबर नहीं मिलेंगे और आपका आंसर सीधे सीधे कट कर दिया जाएगा। अब देखिए अगले गलती एक जो छात्र करते हैं वो करते हैं, जैसे पेन खत्म हो गई तो पेंसिल से लिखने लग जाते हैं या फिर पेन और पेंसिल का मिक्सचर करके। देखिए मेरा ये मानना है कि आप लोग जो है एक पेन और एक ब्लैक और एक ब्लू पेन को यूज़ कीजिए जिससे कि एग्जामिनर को भी बुरा ना लगे और एग्जामिनर को भी देखने में आंसर कॉपी चेक करने में जो है आसानी हो। मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आंसर राइटिंग के लिए क्या क्या तरीके आपको आंसर राइटिंग करनी चाहिए, मगर दोस्तों ये चीज़ें आप पूरा पहले देख लीजिए कि ये देखिए आप इनडायरेक्ट यहाँ पर जो अगला उदाहरण है वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपील टू एग्जामिनर। आप कह रहे हैं कि सर मैम दिस इज माय लास्ट अटेम्प्ट, प्लीज़ सर प्लीज़ चेक माय कॉपी वेरी लीनियंटली, सर जी मेरी कॉपी बड़ी लीनियंटली चेक कर लीजिए। पर यूपीएससी में कोई दया नहीं किसी के लिए, अगर आप मेहनत करेंगे तभी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, नहीं तो ये कॉपी आपकी चेक नहीं होगी। भूल जाइए वो अपील वाले दिन, भूल जाइए वो दिन जब आप कॉपी में 5-5 सौ के नोट डालकर कहते थे सर जी कॉपी चेक कर दीजिए और आपको मिल जाते थे नंबर। तो अब आ चुकी हैं, बहुत ही ट्रांसपेरेंसी आ चुकी है सरकारों में और गवर्नमेंट के सारे एग्जाम्स में, तो भूल जाइए अब धीरे धीरे यूपीएससी भी और एग्जाम्स की तरह ऑनलाइन एग्जाम की ओर बढ़ लिया, और अगर वो भी हो जाता है तो देखिए क्या ट्रांसपेरेंसी रहेगी यूपीएससी के एग्जाम में। और बैड और इन एलिजिबल राइटिंग, मतलब अगर आपकी राइटिंग इतनी अच्छी है, इसे मैं बुरी तो नहीं बोलूँगा क्योंकि मेहनत पूरी की है, मगर आपको इसको जीरो नंबर मिल जाएंगे दोस्तों, आपकी कॉपी ही चेक नहीं होगी क्योंकि ये पढ़ने योग्य ही नहीं है। अब आप फारसी में लिखेंगे और कोई इंग्लिश इसका टीचर चेक करेगा तो क्या वो चेक कर पाएगा, क्योंकि यूपीएससी में जीएस की जो कॉपियाँ होती हैं वो किसी एक टीचर के पास ही पूरी होती है। ये नहीं कि इकोनॉमिक का सेक्शन कोई और चेक कर रहा है, हिस्ट्री का कोई और कर रहा है, पॉलिटी का कोई कर रहा है। अब आपको ये सोच के लिखना है कि कोई भी टीचर अगर चेक करे उसको आपकी राइटिंग समझ में आनी चाहिए। तो दोस्तों अब
सातवीं जो गलती है वो कॉन्ट्रावेंशन टू द इंस्ट्रक्शन गिवन है, मगर ये क्या है, जैसे आपने क्या किया यहाँ पर जो आंसर लिखा हुआ क्वेश्चन दूसरा था, अब आपको याद आ गया दूसरा क्वेश्चन, अब आपको करना है तो आपने काट दिया, तो क्वेश्चन का आंसर बुकलेट की ये जो आंसर वो है वो चेक नहीं किया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर बुकलेट अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि द क्वेश्चन ऑफ द एग्जाम वुड बी चेक्ड इन द सीरियल मैनर एंड नो मार्क्स वुड बी गिवन टू द एग्जामिनी फॉर दोज क्वेश्चन विच ही हैव नॉट अटेम्प्टेड इन द सीरीज। सो फ्रेंड्स, आपको कोई भी मार्क्स इससे रिलेटेड नहीं मिलेंगे। अगला देखिए, इररिलेवेंट डायग्राम्स अगर आप बनाते हैं तो आपको जीरो नंबर मिल जाएंगे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में, कहीं पर भी। कहने का मेरा अर्थ है कि आप रफ पेज में भी जो है इररिलेवेंट डायग्राम का यूज़ ना करें, क्योंकि जो है अगर आप इररिलेवेंट डायग्राम्स का यूज़ करेंगे तो एग्जामिनर से ये भी एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपील है और इसे अनफेयर प्रैक्टिसेस और के अंतर्गत माना जाएगा, और यूपीएससी आपको 5 साल के लिए जो है आयोग के एग्जाम देने से बैन भी कर सकती है। अब देखिए, करेक्टली फिल्ड क्वेश्चन का आंसर बुकलेट का फॉर्मेट आपको दिखा देता हूं दोस्तों। तो देखिए यहां पर क्या है, यहां पे नेम ऑफ एग्जाम में सिविल सर्विस एग्जाम इंग्लिश मीडियम में आपने इंग्लिश लिखा है, और यहां पे अनुक्रमांक में रोल नंबर, और यहां पे सिविल सर्विस एग्जाम मेंस। अब यहां पे जो है आपको अपने साइन नहीं करने हैं, यहां पे एग्जामिनी के लिए आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि सरकार उनको पैसा दे रही है और आप जो है उनके हिस्से का काम बिल्कुल ना करें। तो ये क्वेश्चन का आंसर बुकलेट को आप एक बार जरूर पढ़ें पहले एग्जामिनेशन से। तो अब देखिए, अगर आपने आंसर को कैंसिल करना है तो उसका करेक्ट फॉर्मेट क्या होगा, देखिए काटिए उस चीज़ को, ऐसे करके बॉक्स बनाइए, काटिए, उसके बाद लिख दे कैंसल्ड। तो कैंसल्ड अगर आप लिख देंगे तो ये पूरी तरीके से एक ऑथराइज्ड माना जाता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी हुई होगी और ये वीडियो से आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे, और मुझे पूरी आशा है कि 1000 सब्सक्राइबर के बाद आप हमारे चैनल को और ग्रो करेंगे, क्योंकि आपकी जो मेंस प्रीलिम्स और सीसेट से लेकर सभी एग्जाम्स की जो हम तैयारी करा रहे हैं वो यूट्यूब पे सबसे बेस्ट है और सबसे एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा कराई जा रही है। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद, आज की वीडियो में इतना ही, कल की वीडियो में हम बात करेंगे आंसर राइटिंग टिप्स के बारे में। धन्यवाद।